हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही कहने में तो बहुत ही बड़ी और परेशानी वाली वीडियो है, लेकिन दोस्तों इसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, परेशानी क्या है हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो सूट है हमारा ये बिल्कुल नया है, कोई भी कट वगैरह या फिर फटा हुआ वगैरह ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल सूट है जो नया है। लेकिन दोस्तों, इसमें परेशानी क्या हो गई ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये हमारी आस्तीन है और ये आस्तीन है जो दोस्तों यहाँ से खींचकर फट चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो कपड़ा है यहाँ से, ये कपड़ा है जो ख़राब था और किसी कस्टमर ने इसमें अस्तर नहीं लगवाया, और जो अस्तर लगवाया दोस्तों इसमें हाफ अस्तर लगवाया था जो कि यहाँ तक आ चुका है। ये देखिए, यहाँ से तक ये बाजू बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से ये नीचे नीचे फट चुकी है। सेम कंडीशन फ्रेंड्स हमारी दूसरी बाजू की है। ये देखिए, यहाँ से ये बाजू ठीक है और यहाँ से ये बाजू फट चुकी हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल ख़त्म है। कहने का मतलब ये बाजू है जो हमारी पहनने के काबिल हैं जो नहीं है। दोस्तों, ये जो हमारा सूट है इसमें कहीं भी कोई हिस्सा है जो फटा हुआ नहीं है, बिल्कुल ये सही सूट है। अब दोस्तों, हमारे कस्टमर के सामने परेशानी आ गई और कस्टमर बोल रहे हैं, भैया अब हम करें तो क्या करें, इन बाजुओं की वजह से हमारा सूट है जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो हमने इस परेशानी का एक सोल्यूशन निकाला है जो बिल्कुल आसान है और सिंपल है। दोस्तों, सोल्यूशन ये है, हमने सेम कलर का उनसे जो कपड़ा मंगाया है पौन मीटर का, ये देखिए ये वो कपड़ा है जो हमने पौन मीटर का कपड़ा मंगाया है। दोस्तों, हमने कोशिश तो यही की है कि ये जो कपड़ा है पूरी तरीके से मैचिंग खा जाए, लेकिन दोस्तों इसमें हल्का सा लाइट और डार्क का फ़र्क है, क्योंकि जो हमारा कमीज है वो ये हल्का सा लाइट है, जो हमारा अस्तर है हल्का सा डार्क है, लेकिन ये दोस्तों पहनने में आराम से तो चल जाएगा। हमारी बाजुएं हैं, इन्हीं बाजुओं के साइज़ की इस कपड़े में से, जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है इसमें से हम बाजुएं निकालने वाले हैं, और बाजुएं निकालने के बाद दोस्तों वो बाजुओं को हम इसमें चढ़ा देंगे। और द बाजुओं किस तरह चढ़ेंगी, कटिंग किस तरह से होगी, और आपको इनकी जो फिटिंग बाजुओं की किस तरह से करनी है, आज की वीडियो में सिर्फ आपको यही सीखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आ जाती है वीडियो को लाइक कर लेना है, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इसको रख देते हैं साइड में और हम बिछाते हैं हमारी ये जो हमने अस्तर का कपड़ा मंगाया है। दोस्तों, ये जो कपड़ा है ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, और इसको हम बिछाकर आपको बताते हैं आप किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारे जो आस्तीन का कपड़ा है इसको बिछा लिया है। अब दोस्तों, बाजू निकालने के आपके सामने दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, जो आपकी पुरानी बाजू है आप उसी की नाप से इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप इस तरह से इसको जमा लें। आप इसको इस तरह से सेट करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा कपड़ा है ये लाल कपड़ा है, यहाँ यहाँ तक ये लास्ट है। तो हम एक निशान यहाँ पर लगा देंगे और दूसरा निशान लगाएंगे हम यहाँ से एक इंच आगे, जो कि हमारा दोस्तों फोल्ड हो जाएगा। यानी जो इसमें हमारा है, जो नीचे की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे और तुरपाई या फिर हम वगैरह जो भी सिलाई है उसको लगाएंगे। इस तरह से देखिए, ये निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स, ये हाँ जो हमारी बाजू है यहाँ से इसके बराबर हम इसमें निशान लगाएंगे। और जब भी आप दोस्तों इसको निशान लगाएं, आपको इस तरह से इसको हल्का हल्का सा बाहर निकालना है और इसको इस तरह से खींचना है। इस तरह से यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे। अब दोस्तों, इस बाजू के साइज से जो हमारी बाजू है ये देखिए, ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है दोस्तों, हल्का सा ये जो कम पड़ गया है, और यहाँ पर जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए कपड़ा वो चाहिए एक इंच का यहाँ पर, क्योंकि ये अस्तर का कपड़ा एक इंच कम पड़ गया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसमें से जो हमारा साइड वाला कपड़ा निकलेगा इसमें से जोड़ लगा देंगे। दोस्तों, आपके सामने जो दूसरा ऑप्शन है कटिंग करने का, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप ही जो हमारी बाजू है इसको इस तरह से घुमा लें। ये हमारा जो हमने जो निशान लगाया था दोस्तों, ये हमारा नीचे हो चुका है। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास दोस्तों हमारा सूट है। आप इस सूट के मुड्ढे भी नाप सकते हैं, आप मुड्ढे के अकॉर्डिंग भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसा कि देखिए दोस्तों, यहाँ ये हमारा मुड्ढा है जो कंप्लीट है, और इस तरह से आप इसमें निशान लगाकर, और ये जो हमारी सिलाई का जॉइंट है वहाँ से इसको नाप भी सकते हैं। देखिए, जो ये हमारा मुड्ढा है दोस्तों, यहाँ पर ये 6.5 इंच का है जो तैयार है। तो 6.5 इंच के हिसाब के मुड्ढे से दोस्तों अब हम इसकी आपको कटिंग कर बताते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको इसी तरह से कपड़े को बिछा लेना है, और यहाँ पर देखिए जो छोटा बड़ा है कपड़ा, इसको भी साफ़ करेंगे। इस तरह से फ्रेंड साफ करने के बाद यहाँ पर हमें 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इसी तरह से एक 3 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे, और ये निशान लगाने के बाद दोस्तों इन निशानों को भी हम आपस में मिलाएंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये जो निशान हमने लगाया है 3 इंच का, और इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ से हम छोड़ेंगे 2.5 इंच। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कोना है यहाँ से जो हमारा कपड़ा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया। तो दोस्तों, जो हमारा मुड्ढा है वो 6.5 इंच का, लेकिन हमने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया है, हमारे मुड्ढे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि दोस्तों ये पुराना कपड़ा है, इसमें कोई हल्का सा खिंचाव भी कहीं हो सकता है, तो इसलिए हम उसको एडजस्ट करने में एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। ये देखिए, 2 इंच यहाँ पर हमारे पास कपड़ा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये 1.5 इंच का कपड़ा है, हम इसको ही ले रहे हैं। अगर यहाँ पर जो दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर यह जो हमारा 2.5 इंच का है जो निशान दोस्तों, इस निशान से हम यहाँ पर
हल्का हल्का सा मार्क करेंगे और इसमें यहाँ पर गुलाई देंगे। और दोस्तों जो हम गुलाई देंगे, ये जो हमारा 7 इंच का निशान है, इसी में इसको मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से इसको मिलाने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो मुड्ढे की जो गुलाई हमने इसको दे दी है, और ये 3 इंच का निशान जो हमने लगाया इसीलिए लगाया दोस्तों, यहाँ पर हमें हर बाजू में यहाँ पर 3 इंच की जो गुलाई देनी होती है। और दोस्तों इससे जो हमारी जो शेप है जो अच्छे तरीके से आ जाती है। बाजू में दोस्तों इसकी 19.5 इंच की, तो ये जो हमारा निशान है दोस्तों, जो हमारी कटिंग है, यहाँ से 19.5 और 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ है जो मार्जिन में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 20 इंच लेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर 1 इंच और लेंगे एक्स्ट्रा जो कि यहाँ पर हमारा ये जो फोल्ड हो जाएगा, तो ये हो चुका है दोस्तों 21। 21 आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इन दोनों निशानों को स्केल से सीधा करेंगे। इस तरह से दोस्तों इन निशानों को लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारी बाजू मोहरी रखेंगे इनकी, ये रखेंगे 9 इंच की। ये 9 इंच का दोस्तों आधा हो जाएगा 4.5, और यहाँ पर हम ले लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो कि लूजिंग में आ जाएगा, तो 1.5 और 4.5 ये हो जाएगा 6। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 इंच आ चुका है, और जो बाजू मोहरी लिख देंगे यहाँ पर इसकी 9 इंच की जो कि हम बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों इन निशानों को हम स्केल से इस तरह से मिलाएंगे, ये हमारे पास स्केल है और इसी से हम इसमें शेप देंगे। और दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम इसको हल्का सा बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है यहाँ पर कम है, जो कोना है हमारा इस शेप का, इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि दोस्तों बाजू चढ़ाते वक्त अगर हमें यहाँ पर जोड़ की ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है हम इसमें जोड़ लगाएँ, तो फिलहाल इसके लिए हम यहाँ से एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है, और उसके बाद जो हमारी बाजू की फिटिंग रहने वाली है वो इस तरह से रहेगी। ये हमारी बाजू है जो दोस्तों फिक्स है मुड्ढे का, यानी जो निशान है, और यहाँ पर ये हमारी बाजू का निशान यानी बॉटम का मोहरी का निशान है। उसके बाद एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, और ये निशान दोस्तों इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर हमारी है जो फिटिंग वाली सिलाई है जो आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी बाजू हैं उनको हमने काट लिया है, लेकिन यहाँ पर हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट के लिए दोस्तों यहाँ से जो हमारी बाजू का एक्स्ट्रा कपड़ा है यहीं से कपड़ा निकल जाता है, और उसके बाद इन चारों हिस्सों को यहाँ से बराबर करेंगे, और इनको बराबर करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको इस तरह से जमाएंगे। ये देखिए, हालांकि हमें यहाँ पर ज़्यादा जोड़ नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो भी चाहिए उसी के हिसाब से हम इसको ले लेते हैं। और इस तरह से इसको जमाने के बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जॉइंट जो टुकड़ियाँ हैं तो वो भी निकाल ली हैं, और यहाँ पर यह हमारी बाजू की जो लंबाई हो जाएगी। और इस तरह से दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम अगले वाले हिस्से में जो खांस देने वाले हैं वो इस तरह से देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम ये निशान तो हमने 1.5 इंच पर लगाया था, लेकिन जब हम निशान लगाएँ दूसरा, ये लगाएँगे 1.5 इंच पर। और यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स जो हमारी कटिंग हो रही है इससे तकरीबन 1/2 इंच का यहाँ पर कम पर निशान लगाएंगे, 1/2 इंच 1/4 इंच पर आप यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लें, और इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग भी कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग है जो कर ली है। तो ये इस तरह से कटिंग करने के बाद हमारे पास एक काम बचता है, वो ये है हमारे बाजू को और हमारे जो सूट है उसको सिलाई करना, और किस तरह से होगी हम आपको बताएंगे मशीन पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारे पास वो जोड़ है जो हमने इसकी कटिंग की थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमारे जोड़ है ना, इनको लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जोड़े जो लगा लिए हैं, और जोड़ की सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमारी जो बाजू है इसको नीचे से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड दोस्तों इस तरह से करेंगे, यहाँ पर जो हमारे कट हैं और इन कट के बराबर इसको फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपाई के लिए कच्ची सिलाई लगा दें, और आप चाहें तो यहाँ पर इसमें किनार पर बारीक सिलाई लगा दें। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसमें किनार पर सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर ये सिलाई लगाई है, सेम इसी तरीका से हम दूसरी वाली भी लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम इनमें से एक बाजू को उठा लेंगे, और इस तरह से बाजू उठाने के बाद हम इसको इस तरह से बिछाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बाजू हैं जो दो पल्ले हमने इनको एक साथ बिछा एक जगह कर लिया है, और इस तरह से एक साथ करने के बाद ये हमारा है जो अगला वाला हिस्सा है जिसमें हमने ज़्यादा खड्डा दिया है, और ये नीचे वाला है दोस्तों हमारा बैक वाला हिस्सा रहेगा। इस तरह से आपको बाजू को इस तरह से जमा लेना है। इस तरह से बाजू को जमाने के बाद दोस्तों ये तो यहाँ पर ये हमारे बाजू का सेंटर है, आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा कट भी लगा लें। कि दोस्तों इस तरह से यहाँ कट लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारी सिलाई है, देखिए अगले पिछले हिस्से को जिससे जॉइंट किया है उस सिलाई को हम इस कट के ऊपर रखेंगे। इस तरह से यहाँ से बिल्कुल इसको बराबर रखेंगे, और तकरीबन ये जो हमारी बाजू है दोस्तों इसको 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ा लेंगे, बाजू के ऊपर जो हमारा ये सूट वाला हिस्सा है। और उसके बाद यहाँ पर इसको हल्का हल्का सा सीधा करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर हमें खींचना नहीं है बिल्कुल, सिर्फ यहाँ से इसको सीधा करना है। और इस तरह से सीधा करने के बाद ये जो हमारी सिलाई है जहाँ पर, इसी सिलाई के बराबर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे।
यहाँ पर यहाँ मैंने निशान है जो लगा लिया है। कहने का मतलब ये है हमारा जो मुड्ढे का निशान है उसकी सिलाई जो यहाँ आएगी। इस तरह से दोस्तों ये निशान लगाने के बाद अब हमारी जो बाजू मोर है दोस्तों वो है 9 इंच की। 9 का आधा हो जाता है 4.5, तो यहाँ पर 4.5 इंच पर हम ये एक मार्क कर लेंगे। और इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई दोस्तों इस तरह से लगाएंगे इन दोनों निशानों को मिलाते हुए। ये देखिए ये जो हमने निशान लगाए हैं लगभग इसी निशान के ऊपर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई जो हमारी लगा ली है। अब हम इसमें बाजू को और जो हमारा सूट है इसको एक साथ अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों हम इसको इस तरह से खोलेंगे। जो हमारा सूट है ये इसका जॉइंट है और ये हमारी बाजू का जॉइंट है। ये देखिए दोस्तों ये हमारी बाजू का जॉइंट है। इन दोनों जॉइंटों को हम आपस में मिलाएंगे और इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे ये जो हमारी बाजू का है हम इस कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे। ये देखिए अगर हमने इसको इसी तरह से रखा तो यहाँ पर इसमें बाजू में ये सलवट कर देगा। ये हमने हमारा बाजू का कपड़ा घुमा लिया है और जिस तरह से हमने बाजू का कपड़ा घुमाया है इसी तरह से हम जो सूट का कपड़ा है वो जो हमारी इसको भी इस तरह से घुमाएंगे और अब हम इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ही हमारी बाजू है जो हमने इसको चढ़ा लिया है। ये देखिए हमारी बाजू लगकर तैयार हो चुकी है। जिस तरह से हमने बाजू लगाई है इसी तरह से हम दूसरी वाली बाजू को भी लगाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दोनों बाजू हैं जो हमारे सूट की लगा ली हैं और ये बाजू लगाने के बाद हम आपको इसको सीधा कर बताते हैं ये जो कैसी नज़र आने वाली है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी बाजू लगने के बाद हमारा जो कमीज का लुक है कुछ इस तरह से है। ये हमारी बाजू लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं और अब ये सूट है जो दोस्तों पहनने के काबिल हो चुका है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके सामने भी इसी तरह की कोई परेशानी आती है, आपका कोई सूट फट जाता है बाजू का, तो आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोशिश ये करें आप जो कपड़ा है वो अच्छा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ये कपड़ा है जो अस्तर का है और आप इससे मजबूत कपड़ा लाएँ और उस मजबूत कपड़े को लगाएँ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आप तक आराम से और जल्दी पहुँच सके। मिलते हैं आपसे इसी तरह की कोई अगली और यूजफुल वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।